खबरें होंगी विस्तार से। बड़ी खबर, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिताब अपने नाम किया है। जेवलिन थ्रो में विश्व चैंपियन बने हैं नीरज चोपड़ा। 88.17 मीटर थ्रो के साथ उन्होंने गोल्ड जीता है। 40 साल के इतिहास में पहली बार भारत को गोल्ड मिला है। 2022 में नीरज ने ही सिल्वर जीता था और इस बार उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया है। नीरज की कामयाबी पर पूरा देश जश्न मना रहा है, उन्हें लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है, बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2022 में गोल्ड से एक कदम दूर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। पूरे देश में खुशी की लहर है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। जैवलिन थ्रो में विश्व चैंपियन बन गए हैं नीरज चोपड़ा। 88.17 मीटर थ्रो के साथ उन्होंने भाला फेंका, कोई दूसरा खिलाड़ी यहां तक नहीं पहुंच पाया और नीरज ने इस उपलब्धि के साथ पूरे देश को गौरवान्वित किया है। आज पूरा देश नीरज चोपड़ा पर गर्व कर रहा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा को खिताब मिला है। 2022 में उन्होंने इस चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। एक कदम दूर गोल्ड से रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। नीरज की कामयाबी पर पूरा देश झूम रहा है, उन्हें लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उन्हें बधाई दी है। स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत बड़ा ये गर्व का पल है पूरे देश के लिए और 40 साल के इतिहास में विश्व चैंपियनशिप का खिताब गोल्ड जीतकर अपने नाम किया है नीरज चोपड़ा ने। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 1983 में पहली बार भारत ने हेलसिंकी में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत की थी और उसके बाद से भारत को कभी कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था। 2003 में जरूर भारत को अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया था और पिछली बार सिल्वर मेडल हासिल हुआ था नीरज चोपड़ा को, और अब सिल्वर मेडल को गोल्ड मेडल में बदलना ये उनकी बहुत बड़ी शुरू से आदत रही है और ये उन्होंने कर दिखाया और बेहतरीन प्रदर्शन। और ये जो प्रदर्शन था, अगर आप इनके परफॉर्मेंस को देखें तो ये ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक से बेहतर प्रदर्शन था, एशियन गेम से बेहतर था, कॉमनवेल्थ गेम से बेहतर था। तो अपने आप में उन्होंने एक नई इबादत लिख दी है और 2016 में से जो उनका सफर शुरू हुआ था लगातार वो अनवरत जारी है। 2016 में वर्ल्ड जूनियर में गोल्ड, फिर उसके बाद उन्होंने साउथ एशियन गेम में भाग लिया, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम दोनों में 2018 में गोल्ड मेडल जीता और यहाँ पर पिछले साल इन्होंने 2020 में ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश का परचम लहराया और उसके बाद डायमंड लीग में कोई भारतीय अभी तक गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था, वो उन्होंने कमाल कर दिखाया। तो एक तरह से मैं कहूंगा नायाब हीरा है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड किसी भी खेल में किसी भी भारतीय ने आज तक नहीं जीता है। जी बिल्कुल, उनके जज्बे को सलाम करना होगा। नीरज चोपड़ा एक आइडियल बन चुके हैं आज के युवाओं के लिए, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानते हैं। एक कदम अगर पीछे भी रह जाते हैं, 2022 में सिल्वर जीता लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा और उसका नतीजा हुआ कि आज गोल्ड उनके हाथ में है। जी हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस था, पहली जो उनका पहली थ्रो थी वो उनकी फाउल गई, जो अमूमन नहीं रहती, क्योंकि अमूमन देखा गया कि जितने दुनिया भर के एथलीट हैं वो अपने चौथे या पांचवें प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा अपने पहले या दूसरे प्रयास में ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके मुकाबला अपने नाम कर लेते हैं। और यहाँ दूसरे प्रयास में, ठीक टोक्यो ओलंपिक की कहानी दोहराई गई, वहां भी दूसरे प्रयास में उन्होंने स्वर्णिम सफलता, स्वर्णिम थ्रो लगाई थी, यहां भी दूसरे प्रयास में उनकी स्वर्णिम थ्रो रही जिसे कोई नहीं छू पाया। और ये माना जा रहा था कि जो नदीम है पाकिस्तान के, वो उन्हें कड़ी चुनौती देंगे, क्योंकि एक मौके पर कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पिछली बार बर्मिंगम में, और वहां उन्होंने 90 मीटर का बैरियर तोड़ा था नदीम ने। तो उस वक्त लग रहा था कि कहीं ये खिलाड़ी भारत को, भारतीय खिलाड़ी को चुनौती दे सकता है, लेकिन जितनी एडवर्स कंडीशंस होती हैं, जितने विपरीत हालात होते हैं, वहां पर नीरज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और बाकियों के प्रदर्शन में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है, क्योंकि यहाँ रनवे जो है थोड़ा सा गीला हो या थोड़ी सी फिसलन भरा हो तो आप अपना 100% नहीं दे पाते। इसलिए अगर कोई आलोचक ये कहता है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.94 जो उन्होंने डायमंड लीग में किया था वो नहीं कर पाए, तो ये बड़ी नासमझी होगी,
क्योंकि ये उनका विपरीत हालात में किया हुआ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है। मैं कहूंगा कि ये बाकी युवाओं के लिए बहुत बड़ी सीख है और भारत का तो नाम उन्होंने गौरवान्वित किया ही है। और खांद्रा गांव जो है वो पानीपत का खांद्रा गांव पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गया है उनके इस प्रयास से। और इतना ही नहीं, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन खिलाड़ी हमारे फाइनल में थे, ऐसा विश्व इतिहास में तीसरी बार हुआ है जब से एथलेटिक चैंपियनशिप वर्ल्ड की चल रही है। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जेवलिन थ्रो में भारत के छह जो टॉप छह हैं उसमें तीन भारतीय हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अपने उपिंद्रा से भी उनका कंपैरिजन किया जा रहा है क्योंकि 2024 ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं नीरज चोपड़ा। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने अब पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और एक कहते हैं ना कि एक ट्रेंड सेटर होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर आए, पहले सुनील गावस्कर हुआ करते थे, ऐसे हॉकी में भी हुआ, तमाम खेलों में हुआ, एक ट्रेंड सेटर होता है। ये ट्रेंड सेटर का काम कर रहे हैं अभिनव बिंद्रा, पहले ट्रेंड सेटर बने, आज के दौर में उसके एक दशक के बाद जो है नीरज ने, उसी का नतीजा है कि 4x400 मीटर जो हमारी रिले रेस है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसका आयोजन हुआ, उसमें भारतीय जोड़ी ने, जो भारतीय चौकड़ी थी, उसने एशियन कीर्तिमान ध्वस्त किया, फाइनल में पहुंचे, हीट्स में दूसरे नंबर पर रहे थे और यहां ओवरऑल पांचवें नंबर पर रहे। तो ये भी बड़े गर्व की बात है कि जेवलिन थ्रो में टॉप छह में तीन भारतीय और 4x400 मीटर रिले में भारत जो है उसमें भी भारत का परचम लहराया है, पांचवें नंबर पर भारतीय टीम पहुंची है दुनिया में। तो आप इनसे आगे पेरिस में तीसरे स्थान या दूसरे स्थान की उम्मीद कर सकते हैं इस चौकड़ी के, अगर आगे इसी तरीके से अनवरत कदम बढ़ते गए। और इसके अलावा 300 मीटर स्टीपल चेज में भी भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और पेरिस ओलंपिक के कई कोटा भारत ने हासिल किए, पहले शूटिंग में और अब एथलेटिक्स में। जी बिल्कुल, ऐसा कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं जिसमें नीरज चोपड़ा पीछे रह जाए, हर कदम पर उनको कामयाबी मिल रही है और हम उम्मीद भी करेंगे, शुभकामनाएं भी उनको देंगे कि इसी तरह से कामयाबी हासिल करते रहे। लेकिन मनोज जी, एक बार उनकी जर्नी पर भी एक नज़र डालते हैं क्योंकि जिस तरह से नीरज चोपड़ा एक हीरे की तरह, आपने कहा कि नायाब हीरा बन चुके हैं पूरे देश के लिए, उनकी जर्नी को जानना भी बेहद ज़रूरी है, जो देश के युवा, जो दर्शक इस वक्त उन्हें सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। देखिए, खांद्रा गांव एक ऐसा गांव है जहां से कोई बहुत विश्व स्तर की कोई प्रतिभाएं नहीं निकली थी, नीरज चोपड़ा ट्रेंड सेट साबित हुए, वहां से एक नहीं दो नहीं, आज एक तरह की पूरी एकेडमी खुल गई है, वहां जेवलिन थ्रो के बहुत सारे एथलीट निकल रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसका पूरा असर हरियाणा में हुआ, हरियाणा जो खेल की एक नर्सरी कहा जाता है खेलों की, जहां भारत को 2% की आबादी है, देश की आबादी का 2% है हरियाणा में, लेकिन देश को 40% से ज्यादा पदक दिलाने का जिम्मा जो है हरियाणा के नाम ही है। और उसके बाद जो है इसका असर दूसरे राज्यों में भी पड़ा, एथलेटिक्स के में अगर आप देखें तो जो हमारी रिले टीम है उसमें कई साउथ के प्लेयर भी थे। अब आपने जर्नी की बात कही है तो 2016 का वो की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, वो एक तरह से मैं कहूंगा टर्निंग पॉइंट थी नीरज के लिए, क्योंकि वहां इन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल की। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार जूनियर से सीनियर में आते हुए, शुरू में किसी भी प्रतियोगी किसी भी खेल में अगर आप देखें तो थोड़ा समय लगता है, खिलाड़ी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है और उसके बाद 3-4 कंपटीशन निकल जाते हैं तब कोई खिलाड़ी पदक की होड़ में शामिल होता है। लेकिन इस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक से नीचे समझौता नहीं किया। 2017 में जरूर एक थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट आया था जब थोड़ी सी इंजरी की इनको शिकायत हुई, उन्हीं जो एल्बो है जो रॉकेट आर्म इनकी जो ये थ्रो करते हैं वहां इनको थोड़ी सी शिकायत हुई थी, जिसकी वजह से करीब 11 महीने तक ये बाहर रहे, सर्किट से बाहर रहे। 11 महीने बाहर रहने का मतलब है आपका करीब करीब पूरी तरह से सफाया हो जाना, सर्किट से सफाया हो जाना, लेकिन उसके बावजूद बुलंद इरादे अगर हो तो आपको कोई भी बाधा आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। और वो बात पर इन्होंने साबित कर दिखाई है और एडवर्स कंडीशंस में बेहतरीन प्रदर्शन करना और जो संसाधन है जो खेल मंत्रालय ने इनके लिए मुहैया कराए हैं उनका अधिकतम इस्तेमाल करना और उन्हें अंजाम तक पहुंचाना, ये उनके खेल की सबसे बड़ी विशेषता रही। वाकई वो ट्रेंड सेटर हैं और इस खिलाड़ी को हम इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स की तरफ से सलाम करते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में वो इसी तरीके से अब पेरिस ओलंपिक में भी यही परचम लहराएं जो उन्होंने यहाँ बेलग्रेड में दोहराया या टोक्यो में दोहराया। बिल्कुल, भारत का ये अमृत काल चल रहा है, स्वर्णिम काल कह सकते हैं क्योंकि चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न पूरा देश मना रहा है। जहां चांद पर तिरंगा चंद्रयान 3 ने लहराया तो वहीं अब नीरज चोपड़ा पूरे विश्व भर में तिरंगा लहरा रहे हैं और ये दोहरी खुशी हो गई है पूरे देश के लिए।
बल्कि मैं तो कहूंगा दोहरी नहीं बल्कि दोहरी से भी कहीं ज्यादा हो गई है, क्योंकि अभी प्रज्ञानंद जो है हमारे चेस खिलाड़ी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए थे, और अभी वो युवा खिलाड़ी हैं 20 साल की उम्र में यदि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, कार्लसन से वो खेले, बेशक नहीं जीत पाए, बहुत कड़े संघर्ष में वो हारे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर उन्होंने पूरी दुनिया भर को आगाह कर दिया, और ये चंद्रयान के बाद की घटना है, चंद्रयान 3 के बाद की घटना है, और उसके बाद अब जो नीरज चोपड़ा ने जो इतिहास रचा है ये तो वाकई कमाल का है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब तक भारत को महज 3 पदक हासिल हुए हैं इतिहास में, और 3 में से 2 पदक नीरज चोपड़ा के नाम रहे, पिछली बार सिल्वर मेडल, इस बार गोल्ड मेडल, और परसों पहले 2003 में लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज का कांस्य पदक। जी बिल्कुल मनोज जी, लेकिन नीरज चोपड़ा जिस तरीके की प्रदर्शन करते हैं उनकी कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा भाती है, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा रहता है उनके हर एक कॉम्पिटिशन में हम देखते हैं। देखिए उनके अगर टेक्निकल तकनीकी पहलुओं की बात करें तो वो खासकर जो उनका उनकी स्प्रिंट है वो बहुत ही कमाल की है, बहुत तेज दौड़ते हैं रनवे पर, और इतना और उसके अलावा जो जिस थ्रो से जिस आर्म से वो थ्रो करते हैं वो इतना तेज होता है, और इसके लिए उन्होंने लंबा अभ्यास किया है। अमूमन जो इसका जो भाला होता है, इसका जो मानदंड है वो है 800 ग्राम का ये भाला होता है, ये 700 ग्राम के भाले से प्रैक्टिस करते हैं। अब आप कहेंगे कि 700 ग्राम के भाले से प्रैक्टिस करने का मतलब हुआ कि आप अपने लिए आसान स्थितियां प्रैक्टिस में जुटा रहे हैं, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि जितनी मुश्किल स्थितियां होंगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये जब नीरज चोपड़ा से हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने यही कहा कि उससे उनका आर्म जो है बहुत तेजी से जाता है, और उनको आर्म को अपने तेज फेंकने में उनको मदद मिलती है, बेस्ट परफॉर्मेंस करने में मदद मिलती है। और दूसरी बात यह है कि आमतौर पर जब वार्म अप करते हैं खिलाड़ी तो वार्म अप के काफी पहले, इवेंट से काफी पहले अपना अभ्यास छोड़ देते हैं, और नीरज चोपड़ा अकेले होते हैं जो बहुत देर में अभ्यास शुरू करते हैं, और जब इवेंट शुरू होती है इवेंट शुरू होने से पहले तक अभ्यास करते रहते हैं। इससे फायदा ये होता है कि उनका कहना है कि बॉडी उनकी पूरी तरह से अभ्यस्त तो हो चुकी होती है, वो वहां पर उनको थ्रो करने में अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस करने में मदद मिलती है, जबकि बाकी जो एथलीट है वो जिसे कहते हैं अच्छे खासी प्रैक्टिस के बाद वार्म अप के बाद एकदम शांत अवस्था में होते हैं, और उसके बाद उनको जीरो से फिर से शुरू करना पड़ता है। तो ये उन्होंने एक ऐसी तकनीकी चीज सबके सामने रखी है, और शुरू में उनकी जो थ्रो थी कई फाउल हो जाती थी, जैसे क्रिकेट में नो बॉल होती है ना, उसी तरीके से इन्होंने इनके साथ ये दिक्कत आ रही थी 2017 तक, लेकिन उसके बाद जब ये कोहनी की इंजरी से पूरी तरह रिकवर हो गए, और जिस तरह से जर्मनी में इन्होंने अभ्यास किया, जिस तरह से इन्होंने फिनलैंड में बहुत समय गुजारा, तो उसका ये नतीजा हुआ है कि नए कोच के साथ इन्होंने मिलकर जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस को अंजाम तक पहुंचाया है वो काबिले तारीफ है, और उनकी जो आर्म है, जो आर्म का तेजी से आना, स्प्रिंट और जंप, ये सारी उनकी बिल्कुल अद्भुत है, और जो बाकी खिलाड़ियों से इन्हें बिल्कुल अलग साबित करती हैं, और एडवर्स कंडीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस करना शायद कोच की और इनकी दोनों की अच्छी जुगलबंदी का नतीजा है। बिल्कुल मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीरज चोपड़ा को लगातार बधाइयां मिल रही हैं, पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। प्रतिभाशाली नीरज ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाया, पीएम मोदी ने कहा है समर्पण, सटीकता और जुनून उत्कृष्टता का ये प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी बधाई दी गई है, नीरज चोपड़ा को लगातार बधाइयां मिल रही है। इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बधाई दे चुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी गई हैं, और इस जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें कहा है कि आपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, समर्पण सटीकता का ये प्रतीक है, ये जुनून नीरज चोपड़ा में दिखाई देता है। बेहद प्रतिभाशाली है नीरज चोपड़ा, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं लगातार, ऐसे गर्व के पल पूरे देश को वो देते हैं जिससे पूरा देश खुशी से झूम उठता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड जीता है, पूरा देश आज प्राउड फील कर रहा है। नीरज चोपड़ा को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं, एक के बाद एक लगातार नीरज चोपड़ा की झोली में ऐसे खिताब आ रहे हैं जो विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं।